विक्की नाम बता रहा था, विक्की नाम है वैसे, नाम तो उसका वसीम सुनोब चाहिए थे बेटा फीर का रहने वाला, लड़की को लेगा हमारी, चार दिन हो गए गायब था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही राज्य में लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने की बात कर रही हो, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज आपको एक ऐसा ही मामला बताएंगे जो जिला सहारनपुर का है, जहां पर अम्बेटा पीर की रहने वाली एक लड़की जो नाबालिग बताई जा रही है, कंप्यूटर की क्लास के लिए घर से निकली, लेकिन जब वह शाम को घर नहीं पहुंची तो पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि वसीम पुत्र जाहिद हसन, जिसने अपना नाम बदलकर विक्की रखा हुआ था, वह लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। लड़के ने अपना आधार कार्ड भी हिंदू नाम से ही बनवाया हुआ था। अब यह लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दी गई तहरीर में बताया गया है कि लड़का स्मैक बेचने और पीने का काम करता है और वह पहले से ही शादीशुदा है, उसके कई बच्चे भी हैं, जो लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। अब ये लड़का पुलिस की गिरफ्त में है। मामला महिला थाने में पहुंचा तो देखिए वहां मौजूद हिंदू संगठन के लोग और लड़की के पिता ने क्या बयान दिया है। आपका नाम हिंदी अनबेटा पीर, क्या मामला है जिसको लेकर आज आप महिला थाने? तो विक्की नाम बता रहा था, विक्की नाम है वैसे, नाम तो उसका वसीम सुनोब जाहिद हसन, अनबेटा पीर का रहने वाला, तो लड़की को लेगा हमारी, चार दिन हो गए गायब था, आज यहाँ मौके पर पकड़े। कभी आता देहरादून, मैं देहरादून रहने वाला हूँ, कभी कहीं बता रहने वाला। तो कैसे संपर्क हुआ आपके लड़की से? नेट पर निकलवाया मैंने, पहले तो विक्की दिखा रहा था, उसके बाद फिर दिखा उसने वसीम जाहिद हसन। कितने समय से जो है बात कर रहा था? तो चार दिन से पता लगा, चार दिन से कर थे, आज हम तैरी थी तो इससे पता लगा एकदम, तो मौके पकड़े वो तो नहीं, लड़की पकड़ी, लड़का बाहर था गाड़ी में, कानूनी कार्रवाई चाहिए सख्त से सख्त। अरे मैं महिला की मम्मी लिया जी, क्या मामला है? आज यह महिला थाने के अंदर जो है अम्बेटा पीर का एक मामला आया है, जिसमें एक लड़की जो कि एक मुस्लिम नाम के लड़के के साथ जो है प्रेम जाल में आई है, यह है कोरा कोरा बिल्कुल जो है लव जिहाद का मामला देखने के लिए सामने जो है सामने आया है। ये वसीम नाम का लड़का जो विक्की नाम अपना नाम बताकर जो है अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू आइडेंटिटी बताकर उस लड़की को बहला फुसलाकर पिछले चार दिन से लेकर गायब था, देहरादून अपना बिजनेस बताकर वहाँ पर गायब था। आज जो है इसकी लड़की के पिता ने कप्तान साहब के ऑफिस में उनको जो है यहीं पर दबोचा और महिला थाने लेके आए, हम लोगों को पता लगा, सूचना प्राप्त हुई, वो जो वसीम नाम का लड़का है वो पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं और जो अम्बेटा पीर का रहने वाला है, और साथ ही जो है वो स्मैक का जो है कारोबार भी करता है, और जो ये जितने भी जिहाद के जो केस सामने आ रहे हैं, लव जिहाद की जो ये मानसिकता है लोगों की जो सामने आ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो है क्या नाम साजिशें जो है चल रही हैं, जिसमें जो है हिंदू बहन बेटियाँ जो हमारी छोटी बहन बेटियाँ होती है नाबालिग, जिस तरह से ये लड़की जो है नाबालिग है, इनको जो है अपने प्रेम जाल में जो है बहला फुसरा कर इनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, जिसके संदर्भ में हम आज यहाँ सभी हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम जो है अपनी हमारी जो छोटी बहन है, हिंदू हमारी छोटी बहन है, उसके साथ खड़े हैं। उसको फिलहाल पुलिस ने जो है नानी निकेतन भेज दिया है, और लेकिन जो वही जो वसीम लड़का है जो अपना नाम जिसने अपना नाम विक्की बताया था, वो अभी थाने के अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हम यही चाहते हैं जो जिहादी किस्म का ये मानसिकता के जो व्यक्ति है, ये विक्की जो है, जो अपने आपको विक्की बताते हैं, वसीम इसका नाम है, इसको जो है पोस्को के एक्ट के तहत जो है NDPS लगाकर जेल के अंदर जो है इसको भेजा जो है डाला जाए, और हमारी लड़की को जो है हमारे हाथों सुरक्षित सुपुर्द किया जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।